आप जैसे अच्छे सुविचार सुसभ्य सुसंगति वाले गुरुओं के माध्यम से ही हम जैसे आम आदमी गोविंद से निकल के गोविंदा हो पाते हैं। गोविंदा और कोरियोग्राफर सरोज खान के बीच के कई किस्से बहुत फेमस हैं। आज मैं आपको उन किस्सों में से 2-3 किस्सों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके दिल को छू लेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। गोविंदा की माँ क्लासिकल डांस की वोकलिस्ट थी, जिसके कारण गोविंदा की भी डांस में रुचि जाग उठी। वो लोगों को ऑब्जर्व करके और कई सारे डांस इवेंट में दर्शक के तौर पर हिस्सा लेकर डांस सीखने का प्रयास कर रहे थे। गोविंदा का कहना था कि डांस हमेशा से उनका पहला प्यार रहा है। डांस उनमें एक अलग तरह की एनर्जी लेकर आता है। जब वो छोटे थे तो 19 किलोमीटर चलकर अपने घर से दूर डांस सीखने जाया करते थे। उन दिनों उनके पास भाड़े देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें एक अच्छे गुरु की ज़रूरत महसूस हुई। उन दिनों सरोज खान अपना डांस क्लास चलाती थी। कहा जाता है कि गोविंदा उस डांस क्लास के बाहर खड़े होकर डांस सीखते थे। गोविंदा के इस पैशन को देखकर सरोज खान ने उन्हें क्लास में आकर डांस सीखने को कहा। गोविंदा ने सरोज खान को कहा, मास्टर जी, मैं विरार से बिना टिकट लिए यहाँ आता हूँ। मेरे पास डांस सीखने के पैसे नहीं हैं। अगर आप सिखाएंगी तो मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा। इस पर सरोज खान ने उन्हें कहा कि ठीक है, फीस की बात बाद में कर लेंगे, जब तुम कुछ कर लोगे अपनी ज़िंदगी में। इस तरह से बिना फीस लिए सरोज खान ने गोविंदा को डांस सिखाया। डांस सीखने के बाद गोविंदा ने फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। जब उन्हें ब्रेक मिला तब भी वो सरोज खान को भूले नहीं। सरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उनके पास एक बच्चा आया और उन्हें एक लिफाफा थमाते हुए कहा कि यह गोविंदा ने दिया है। सरोज खान ने जब वो लिफाफा खोला तो उसमें 24,000 रुपये थे, जो गोविंदा ने अपनी पहली गुरु दक्षिणा के तौर पर दिया था। गोविंदा ने उसमें एक चिट्ठी भी छोड़ी थी जिस पर लिखा था कि अब मैं गुरु दक्षिणा देने लायक हो गया हूँ। गोविंदा की शुरुआती कुछ फिल्मों में कोरियोग्राफी भी सरोज खान की ही रही है। गोविंदा एक रियलिटी शो में सरोज खान से जुड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि एक्टिंग के शुरुआती दिनों में रोमांटिक सीन्स मैं सहजता से नहीं कर पाता था। मेरी पहली फिल्म इल्जाम के एक डांस सिक्वेंस में मुझे भाग कर मेरी को स्टार नीलम के करीब जाना था, जो सीन करने में मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं इतना अनकंफर्टेबल था कि कांप रहा था और मुझे फीवर जैसा महसूस हो रहा था। मेरी इस चीज़ को हमारी कोरियोग्राफर सरोज खान ने महसूस किया। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं। वो मुस्कुराने लगी और कहा कि चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि ऑन स्क्रीन रोमांस कैसे करते हैं। गोविंदा कुछ फिल्मों के बाद एक बहुत बड़े डांसिंग स्टार बन गए, लेकिन वो तब भी सरोज खान को भूले नहीं। सरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब देवदास मूवी का गाना डोला रे डोला शूट हो रहा था तो वो बहुत बुरे से बीमार पड़ गई थी। उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और शायद वो बच भी ना सके। ऐसे में इलाज के लिए ढेर सारा पैसा भी चाहिए था। तभी आधी रात को गोविंदा हॉस्पिटल आए और उन्होंने सरोज खान की बेटी को एक पैकेट थमाते हुए कहा कि मास्टर जी को बोलना तुम्हारा बेटा आया था। सरोज खान की बेटी ने जब वो पैकेट खोला तो उसमें 4,00,000 रुपए थे। तो ये थे कुछ मोमेंट्स जो बताते हैं कि गोविंदा और सरोज खान के बीच एक अनकंडीशनल रिलेशनशिप था, जो सरोज खान की मौत तक बना रहा। सरोज खान की मौत पर गोविंदा ने एक भावुक कर देने वाला वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ऐसे ही कुछ पलों को याद किया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।